YT स्टूडियो का एक बटन ऑन करो और लाखों में व्यूज पाओ, वीडियो वायरल आता है, उस हिसाब से हम वीडियो बनाते हैं, कॉमेडी शॉर्ट, नाच गाना, जो भी है लोग ब्लॉग कि हम लोग ऑन नहीं किए, हम नहीं किए, आप नहीं किए, वो नहीं किए, फलाने नहीं किए, तो सब लोग ऑन कर लो जल्दी जल्दी से, तो वायरल हो जाए। कौन सा ऐसा स्टूडियो में जो है बटन नहीं हमने ऑन किया, तो मार ऐसे टिप टाप करके जो ना पता उसको भी दबा करके और अपना चैनल का जो है गड़बड़ा दो। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे ज़बरदस्त होंगे। और दोस्तों स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल संतोष राज ब्लॉग्स में, मैं हूँ आपका भाई संतोष राज। दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग से गुजारिश यही है कि वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों एक हफ्ते से लगातार, आज एक हफ्ते से आप लोग, अगर आप लोग यूट्यूबर होंगे जो यूट्यूब बनाते हैं, यूट्यूब वीडियो बनाते हैं, उनको पता होगा एक हफ्ता से एक ही ट्रेंड हो रहा है। जितने टच वाले चैनल वाले हैं सब एक ही वीडियो बना रहे हैं, YT स्टूडियो का ये सेटिंग ऑन कर लो और वीडियो वायरल। एक सेटिंग YT स्टूडियो का ऑन कर लो और लाखों में व्यूज पाओ, वीडियो वायरल, चैनल को ग्रो करो, चैनल ग्रो हो जाएगा। आप लोगों में से बहुत से लोग जो है यूट्यूब वाले, जो यूट्यूब बनाते होंगे, वो देखे होंगे और देख भी रहे होंगे। YT स्टूडियो का एक बटन ऑन करो और लाखों में व्यूज पाओ, वीडियो वायरल। ठीक, यही है, यही चल रहा है ट्रेंड में। और जितने टच वाले जो है बनाए हैं, झुनझुनू की टच है, तमाम टच हैं, सबका लाखों में, मिलियन मिलियन में व्यूज जा रहा है। मैं अपना खुद का YT स्टूडियो आप लोग को दिखा रहा हूँ, पूरा एकदम लाइव दिखाऊंगा। कौन सा बटन आपको ऑन करना है, किस बटन को ऑन आप करेंगे तो आपका वीडियो वायरल होगा और लाखों में व्यूज आएगा, आपका चैनल ग्रो हो जाएगा। YT स्टूडियो में ऐसा कौन सा बटन है जिसको ऑन करना है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा एकदम प्रूफ के साथ। तो ये देखिए, ये है मेरा YT स्टूडियो, साफ दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आप लोग को अच्छे से। ये मेरा YT स्टूडियो है। अब मैं उन लोगों से पूछना चाह रहा हूँ जो लोग बता रहे हैं तमाम टच, फलाने की टच, ढिकाने की टच, पता नहीं कितने की टच, किसकी टच, जो टच वाले चैनल वाले उनको बता रहे हैं। अब आप लोग इसमें हमको ये बता दो कि इसमें कौन सी सेटिंग हमको ऑन करना है, कौन ऐसा सेटिंग है जो मैंने ऑन नहीं किया है, यही बता दो। कसम से मैं बता रहा हूँ, जितने लोग तुम लोग चूतिया बना रहे हो जनता को, पब्लिक को, कि एक बटन YT स्टूडियो का ऑन कर दे और लाखों में भर भर का व्यू जाएगा, भर भर का वायरल हो जाएगा, हर वीडियो वायरल होगा, आपका चैनल ग्रो हो जाएगा, तो ऐसा मैं यही पूछ रहा हूँ कि इसमें YT स्टूडियो में कौन सा बटन है जो ऑन नहीं हुआ है, हमसे गलती हो गया है, या हमारे लाखों भाई लोग हैं जो यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं उनसे गलती आज तक हुआ कि वो लोग ऑन नहीं किए हैं। दोस्तों मैं भी आज से नहीं, 3 साल से वीडियो बना रहा हूँ, 3 साल में मैं भी बहुत कुछ सीखा हूँ, बहुत कुछ सीखा हूँ, ऐसा नहीं है, बहुत कुछ सीखा हूँ और बहुत कुछ किया हूँ वायरल होने के लिए, पर नहीं हो रहा है। सब मतलब जितना दिमाग में आता है उस हिसाब से हम वीडियो बनाते हैं, कॉमेडी शॉर्ट, नाच गाना, जो भी है लोग ब्लॉग, नहीं वायरल होता है। क्यों नहीं होता है? ऐसे ही घास नहीं काटते हैं, घास भी काटते हैं, काटे भी हैं, मतलब अब YouTube पे वीडियो बनाते हैं तो कुछ हमको भी पता है, तभी तो बनाते हैं। अब जो टच वाले बता रहे हैं कि YT स्टूडियो का एक बटन ऑन करने से वीडियो वायरल, चैनल ग्रो, आप लोग एक हमको यही दिखा दो कि YT स्टूडियो में कौन सा ऐसा बटन है जो हमने वो नहीं किया है, और इसमें आप लोग कमेंट में बताना कि इसमें कौन सा बटन ऐसा है जो ऑन करने वाला है। सारे के सारे लोग आप लोगों को चूतिया बना रहे हैं। दोस्तों YT स्टूडियो में ऐसा कोई बटन ही नहीं है जो ऑन करने वाला है कि हम लोग ऑन नहीं किए, हम नहीं किए, आप नहीं किए, वो नहीं किए, फलाने नहीं किए, तो सब लोग ऑन कर लो जल्दी जल्दी से, तो वायरल हो जाएगा। इसमें कोई ऐसा बटन ही नहीं है, सिर्फ एक टॉपिक है, एक ट्रेंड है, बस फुद्दू बना रहे हैं, लोगों को चूतिया बना रहे हैं,
और कुछ नहीं है। आप लोग गलत फहमी में मत रहिएगा कि कौन सा ऐसा स्टूडियो में जो है बटन नहीं हमने ऑन किया, तो मार ऐसे टिप टाप करके जो ना पता हो उसको भी दबा करके और अपना चैनल का जो है गड़बड़ा दो। कभी नहीं करना ऐसा। वीडियो वायरल दो ही तीन प्रकार के लोगों का होता है, या जो खूब फेमस हैं उनका हो रहा है, या तो कोई अचानक से ऐसा कुछ कर दिया जो वायरल हो गया। और हम लोग की तरह जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनका वीडियो वायरल जल्दी नहीं होता है, तो मेहनत करना पड़ता है। तो आप लोग अगर YouTube पे वीडियो बनाते हैं तो आप लोग को यही करना है कि इतना दिमाग लगाओ कि क्या करें, कुछ ऐसा करें कि जो हमारा वीडियो लोगों को पसंद आए। जब हमारा वीडियो लोगों को पसंद आएगा तो ऑटोमेटिक भी मेरा वीडियो वायरल होगा, लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, वायरल हो ही जाएगा। दो तीन साल से घिस रहे हैं हम लोग भी, और इस तरह के चुतिया नहीं बनाना चाहिए किसी को। और आप लोग उन्हीं का वीडियो देखते भी हैं जो सही बताएगा या जो मेहनत करेगा। जो मेहनत करता है अगर वो गलत कर रहा है, वो तो अपने जाने मेहनत कर रहा है, चलो ठीक है कर रहा है अगला। अगर आपके देखने में गलत करा तो आप लोग कमेंट करके बताओ उसको कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करो, तो इसे सीख मिलेगी, अगला सुधारेगा तो उससे कुछ ना कुछ उसको जरूर प्रेरणा मिलेगी। तो आप लोग सही पे ध्यान दीजिए। अगर आप लोग वीडियो बनाते हैं तो आप लोग वीडियो कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे कि जनता को, पब्लिक को पसंद आएगा, वो चीज़ पे आप लोग को फोकस करें।